माने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। कुढ़नी तो झाकी है, पूरा बिहार बाकी है, और इसी नारे से आज विधानसभा का सदन गूंज उठा जब बीजेपी के प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता ने आज शपथ ग्रहण किया। और उसके बाद बीजेपी ने जय श्री राम के नारे तो लगाए ही लगाए, लेकिन इसके ठीक बाद ये नारा सुनने को मिला कि कुढ़नी तो झाकी है, पूरा बिहार बाकी है। यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी अपने दमखम को दिखाने की कोशिश में लगी हुई है कि अभी हमने तो सिर्फ और सिर्फ झांकी दिखाई है, ये ट्रेलर था। साल 2024 का लोकसभा चुनाव फाइनल होगा जहां पूरी फिल्म देखने को मिलेगी और पूरा बिहार भाजपा मय हो जाएगा। दरअसल बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत बीते कल यानी कि 13 दिसंबर को हुई है, जहां वो एक सप्ताह का ये सत्र चलेगा। 19 दिसंबर को सत्र का आखिरी दिन होगा और आज दूसरा दिन है जिसकी शुरुआत केदार प्रसाद गुप्ता के शपथ ग्रहण से हुई है। बता दें कि बिहार की कुढ़नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था जहां जदयू के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा को शिकस्त देकर केदार प्रसाद गुप्ता ने जीत हासिल की। पहले दिन सत्र के दौरान उनका शपथ ग्रहण नहीं हो पाया, जिसको लेकर बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला था, लेकिन आज दूसरा दिन है और आज सबसे पहले केदार प्रसाद गुप्ता का शपथ ग्रहण कराया गया है, जिसके बाद बीजेपी जोर शोर से सदन के भीतर इन नारों से अपना दमखम दिखाने की कोशिश कर रही है। इन नारों से पूरा सदन गूंज उठा है, जहां जय श्री राम एक तरफ तो वहीं दूसरी तरफ कुढ़नी तो झाकी है, पूरा बिहार बाकी है। दिखाते हैं आपको ये पूरा वीडियो, देखिए सदन के अंदर क्या कुछ माहौल बना है जब बीजेपी कैंडिडेट केदार प्रसाद गुप्ता ने शपथ ग्रहण किया, और देखिए किस तरीके से बीजेपी ने जमकर नारेबाजी की है। शांति शांति, माननीय सदस्य शांति बनाए रखें और सदन को संचालन में आप जो है सकारात्मक सहयोग करें। मैं हो गया केदार प्रसाद गुप्ता, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता क्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। माननीय सदस्य श्री केदारनाथ गुप्ता जी, आप सामने रजिस्टर है उस पर जाकर हस्ताक्षर करें। अरे कार्यक्रम तो हो जाने दीजिए। शांति व्यवस्था बनाए रखें, माननीय सदस्यगण, आप शांति व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण अपना स्थान पर आप बैठ जाएं।